हे hey guys, गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू my अनदर व्लॉग और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे मजे में होंगे और लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहे होंगे सो so गाइज आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना डेली यू रूटीन तो मैं आ, अपने डेली लाइफ में क्या क्या करती हूँ कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हूँ तो वो सारी चीजें आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी तो इस व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट बना लेते हैं तो चलिए मेरे साथ तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाने वाली हूँ आलू के पराठे तो ये मैंने आलू को उबाल के उन्हें छील के रख लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी क्योंकि कसूरी मेथी का टेस्ट हमें अच्छा लगता है तो हम जनरली ऐड कर लेते हैं इसके बाद इसमें बाकी के मसाले डाल देती हूँ और हरी मिर्च यूज़ करने वाली हूँ लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रही हूँ और इसके अलावा इसमें मैं अजवाइन जो डालने वाली हूँ उसे अपने हाथों से ऐसे मसल के इसमें डालूँगी मसल के डालने से जो अजवाइन का टेस्ट है और उसकी खुशबू है वो ज़्यादा अच्छी आती है तो हमेशा मैं ऐसे मसल के ही डालती हूँ और अब इसे एक अच्छे से मैश कर लेती हूँ और अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे तो ये मैंने स्टफिंग कर दी है और अब मैं इसे बेलूंगी और उसके बाद चढ़ा दूँगी तवे पे और ये मेरे पराठे बनने लगे हैं तो ये बन रहे हैं मेरे पराठे और यहाँ बन रही है सोना की चाय और इतना सारा दूध ये दो लोगों की चाय में डाल रहे हैं अभी नहीं हो रहा है लेट तो इसलिए फटाफट से नाश्ता करके ऑफिस को चले जाएंगे तो गाइस घर का काम चल ही रहा है कपड़े धोने डाले हैं और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं बट यहाँ पे नंदिनी नक्श तो सोया हुआ है बट नंदिनी को देखो नंदनी कुछ बोलने की कोशिश कर रही है शायद ये बोल रही है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इतने लंबे लंबे नेल्स हो गए हैं बच्चों के और ये जब सोए होते हैं तभी शायद मैं काट सकती हूँ क्योंकि और टाइम ये काटने नहीं देते गाइस सारे काम जो भी होते हैं मेरे बच्चे जब सो जाते हैं तभी होते हैं आई थिंक सारी मदर्स का यही हाल होता है कि जब उनके बच्चे सो जाते हैं तो ही वो सारे काम कर पाते हैं चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो देखिए ना नेल्स कट करने के लिए भी मुझे बच्चों के सोने का इंतजार करना पड़ता है सो so गाइस फिलहाल नंदिनी भी सो गई है और मैंने बाहर कपड़े जो धोने डाले थे वो आधे धुले थे लेकिन लाइट चली गई है सो so फिलहाल कपड़े धुल चुके हैं और इन सारा ये सामान भी सूख गया है इनको अंदर रख देती हूँ और कपड़े यहाँ डाल देती हूँ कपड़े तो यहाँ डाल दिए हैं और अब जो ये घर बिखर चुका है उसे ठीक कर लेती हूँ तो ऐसे सारे कमरे बिखरे पड़े हैं तो इन्हें ठीक कर लेती हूँ सो गाइज बच्चे अभी सोए हुए हैं तो जल्दी से अपना स्टिचिंग वाला काम निपटा लेती हूँ तो स्टिचिंग में मुझे बनाना है नक्श के लिए एक धोती सिलवार तो ये वो कपड़ा है इस इसे मैंने येलो कलर का कुर्ते की मैचिंग का बनाना है अभी मैं आपको कुर्ता भी दिखाऊंगी और उसका मिनी ब्लॉग वैसे मैं बना चुकी हूं अपलोड कर चुकी हूं आप वो भी देख सकते हैं तो कुर्ता बन चुका है उसका सलवार बनाते हैं देखते हैं आज शाम तक तो साइड ही जाएगा क्योंकि बीच बीच में बच्चे भी बुलाते रहेंगे डिस्टर्ब करेंगे तो चलिए शुरू करती हूँ पहले देख लेती हूँ इसका वीडियो तो देखूं क्योंकि मुझे आता नहीं है तो पहले मैं चेक करती हूँ देखती हूँ सीखती हूँ उसके बाद फिर बनाती हूँ तो चलिए बनाते हैं इसे करते अभी थोड़ी देर में अभी नंदिनी थोड़ा शोर मचा रही है देखते हैं वो क्यों रो रही है क्या हो गया क्या हो गया <laughs> कैमरे में देख के शांत हो जाती है चलिए मैं इसे देखती हूँ फिर बनाते हैं उसे की काती काती पे घोड़ा घोड़ी की धुम पे जमारा थोड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा घोड़ा धुम ढाके दौड़ा सो गाइज मैंने कटिंग करके सिलना स्टार्ट कर लिया था और जैसा जैसा वीडियो में बता रहे थे मैं वैसा वैसा बना रही थी और वीडियो में लिखा था कि पाँच मिनट में बना सकते हैं आप इसे और देखने से काफ़ी आसान था मैंने बनाना भी स्टार्ट कर लिया था बट एक गड़बड़ हो गई एक सिलाई मैंने गलत रख दी थी और जब मैं उस सिलाई को निकालने लगी तो एक कपड़ा ही फट गया और अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा इसे बनाने का बट बनाना पड़ेगा तो गाइज देखा आपने मैं कब से उसमें मेहनत करी जा रही थी बट वो कभी कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जा रही कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रही और अभी तक वो पूरा नहीं बना है अब मुझे थोड़ी बहुत भूख लगने लगी तो मैं अभी दूध और बिस्किट खा रही हूँ तो ये कंप्लीट करके फिर हाँ लेकिन अब लग रहा है कि वो कंप्लीट हो जाएगा तो शाम तक एनी हाउ मुझे वो कंप्लीट करना ही करना है तो चलिए देखते हैं फिलहाल अभी थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लिया मैंने तो ये देखिए थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है तो ये मेरी धोती लगभग तैयार हो चुकी है अब मुझे इसमें ऊपर से बेल्ट लगानी है और इलास्टिक वगैरह पहनाने हैं तो अब अच्छा लग रहा है कि इतना सारा नुकसान करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंची फाइनली फाइनली ये बन चुका है और मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत मैंने की है बहुत छोटू सा है लेकिन मेहनत काफी लेके गया सो so गाइज ये बन चुका है और आप देखिए ये है इसके ऊपर का कुर्ता और नीचे का धोती सो so गाइज आपने देखा ये बनाना बहुत ज्यादा आसान था लेकिन मुझे इतना ज्यादा टाइम लग गया वो तो पता है क्यों लगा क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था वो इसलिए क्योंकि मैं बना रही थी मुझे लगा था कि हाँ जल्दी जल्दी बन जाएगा बट वो जब आ, मेरा फैब्रिक कट गया था फट गया था तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार अब तो ये हो ही नहीं पाएगा ये क्या हो गया यार अब तो नहीं हो पाएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी डाउन हो गया था उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया जिस ब्रेक में मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं अपने लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया उसके बाद जब मैंने करना स्टार्ट किया तो ये दस मिनट के अंदर बन चुका था तो गाइस कभी कभी यही होता है चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप कोई वर्किंग है आप कुछ आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं तो आपके साथ कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो जिसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि नहीं हो सकता सोल्यूशन लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसमें इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता और हम उस टाइम पे उसे क्विट करने की सोचते हैं तो कभी भी किसी भी चीज को क्विट करने से पहले एटलीस्ट एक ब्रेक लीजिए उस ब्रेक में आप बिल्कुल मत सोचिए कि हम क्या कर रहे थे क्या हमारी प्रॉब्लम थी क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है उस ब्रेक में आप बस अपने बारे में इवन अपने बारे में भी नहीं आप उस ब्रेक में कुछ भी मत सोचिए नंदिनी की आवाज आ रही है तो आप उस ब्रेक में कुछ भी मत सोचिए और उसके बाद उस ब्रेक से रिफ्रेश होके जब आप उस काम को करने जाएंगे कुछ भी वो काम हो सकता है तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे ये जो कुर्ता मैंने बनाया था नक्श के लिए इसमें काफी सारे स्टेन थे लेकिन मुझे इसी फैब्रिक से ये कुर्ता बनाना था उसके पीछे एक रीजन है क्योंकि ये जो कपड़े ये जो ड्रेस बनी है ये नक्श के अन्नप्राशन के लिए ड्रेस है आपने देखा होगा नंदिनी के अन्नप्राशन में मैंने उसके लिए ये फ्रॉक बनाई थी और वही कपड़ा क्योंकि हमारे यहाँ ये यह होता है कि जो भी कपड़ा हमारा नामकरण के टाइम पे यूज हो, हुआ होता है वो उसी कपड़े से आपको अन्य प्रश्न की ड्रेस बनानी होती है तो इसलिए ये कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था तो थोड़ा बहुत जुगाड़ करके मैंने ये कुर्ता बनाया और ये धोती बनाई थी धोती का तो कपड़ा काफी ज्यादा था लेकिन कुर्ते का कपड़ा कम था तो इसलिए थोड़ा मिक्स एंड मैच करना पड़ा था बट बन के रेडी हो गया है तो बस यही चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी तो ठीक है अभी फिलहाल जाते हैं वहाँ रूम पे बच्चे चिल्ला रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ दोनों अपने पैरों से सॉक्स उतार चुके हैं तो अभी फिलहाल बच्चों की तेल मालिश हुई है और इस टाइम बच्चे थोड़ा सा खेलने के मूड में तो मैं उन्हें उनके साथ खेल रही हूँ और इसके बाद फिर बच्चों को सुला दूँगी सो तो अभी चल रही है मेरी पूजा और पूजा के साथ साथ मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ रोज़ नहीं पढ़ पाती हूँ लेकिन अभी बच्चे सोए हुए हैं तो इसलिए मैं पढ़ सकती हूँ वैसे जनरली मैं बच्चों की तेल मालिश पूजा करने की बात करती हूँ लेकिन आज मैंने उनकी तेल मालिश पहले कर दी क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान हो रहे थे सो so गाइज बच्चे भी सो गए हैं और पूजा पाठ भी हो गई है तो अब मैं जाती हूँ खाना बनाने आज का डिनर बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे सो so गाइज फिलहाल खाना खा लिया था सोना आ गए और अभी खा रहे हैं च्यवन प्रास और दूध पी रहे हैं और साथ में देख रहे हैं ये कुछ कौन सी मूवी है सुना कंतारा।, कंतारा वो भी तमिल में तेलुगु में कौन सी लैंग्वेज है पता नहीं मलयालम में सो so गाइज अभी बच्चे सोए हैं तो हम भी सो जाते हैं और करते हैं इस ब्लॉग का एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा मैंने कोशिश की कि मैं अपने रूटीन को अच्छे से आप लोगों को दिखा सकूं तो आई डोंट नो कैसा रहा बट प्लीज मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय